हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो गाइज, वेलकम बैक मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियन के एक और नए एपिसोड में। यार आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, क्योंकि यार मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है मेरा। मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं ना अपना बुक का प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। मैं ऑफ कैमरा खेल रहा था बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में, अब जाके मैं पहुँच चुका हूँ एक्ट फाइव चैप्टर वन। देखो एक्ट फाइव चैप्टर वन पे, और उसका सिक्स क्वेश्चन मेरे से क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मतलब पहला हो गया, पहले में भाई क्या ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन ठीक है। अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत प्रैक्टिस की है मैंने, बहुत एनर्जीज यूज़ की है मैंने, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ की है। आप लोग देख सकते हो रिफ़िल मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ, अगर यूज आइटम में एनर्जी रिफ़िल जो कम्प्लीटली रिफ़िल वाला था वो मेरे पास आठ थे, आठ या सात थे। कल मेरे को एक और मिला है, मतलब अभी आज ही मेरे को एक और मिला है, तो दो हो गए, वरना मेरे पास एक ही था एनर्जी रिफिल कम्प्लीटली रिस्टोर वाला। ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, तब जाके ये हुआ है। और भाई मेरे यूनिट्स आप लोग देख सकते हो, अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मेरी यूनिट्स तो 4000 कुछ यूनिट्स थे मेरे, मेरे यूनिट्स भी बहुत लग चुके हैं, क्योंकि मुझे हीलिंग पोशंस लेने पड़े। हीलिंग पोशंस कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। यार मूड बहुत ख़राब है, क्योंकि डार्क एंजल जो क्वेस्ट है ये मेरे से कम्प्लीट ही नहीं हो रहा है, क्लियर ही नहीं हो रहा है। किसी बंदे ने कमेंट किया था बहुत पहले, एक दो लास्ट से लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि एक्ट फाइव में इतना मुश्किल है कि आप रो दोगे। भाई उसने सही बोला था, मुझे लगा ऐसे मजाक कर रहा है, लेकिन वो सही बोल रहा है। भाई मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ यार गेम ही छोड़ दूँ मैं खेलना, क्लियर ही नहीं हो रहा भाई, कुछ क्लियर नहीं हो रहा मेरा। एक तो मेरे चैंपियंस इतने बकवास है ना यार, 4 स्टार के ब्लॉक डैमेज भी इतना ज़्यादा लेते हैं ना, क्या बोलूँ। मैं सोचता हूँ यार अब मैं अटैक करूँ या डिफेंस करूँ, डिफेंस पे जाता हूँ, ब्लॉक डैमेज इतना ज़्यादा लेते हैं ना, अटैक पे जाता हूँ बंदा आगे से मेरे पे अटैक कर लेता है, और उसकी वजह से मेरे को 4 हिट में ख़त्म हो जाता है मेरा 4 स्टार का। वो ज़्यादा कुछ है नहीं, 5 स्टार के मेरे पास स्पाइडरमैन क्लासिक है जो किसी भी काम का नहीं है, वॉररॉक है जो कि बहुत तगड़ा है, रॉनिन है 5 स्टार का जो कि मतलब वो भी बकवास ही है यार, उसका भी क्या ही डैमेज है। रॉनिन 5 स्टार का है, यहाँ पे मेरे पास एक और था 5 स्टार का, डेयर डेविल है जो कि आप लोगों ने बताया बकवास है ये भी, और एल्सा ब्लडस्टोन आप लोगों ने बोला अपग्रेड करने के लिए, लेकिन मैं इसको अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार सारे के सारे रिसोर्सेज अब 5 स्टार पे ही लगाऊँ मैं यार। एक तो 5 स्टार के मेरे को यार शार्ड्स ही नहीं मिल रहे भाई, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना भाई, मेरे को 5 स्टार के शार्ड्स ही नहीं मिल रहे, मैं खेलूँ क्या, मेरे पास चैंपियन ही नहीं है 5 स्टार का। ओके तो मेरे पास 4 चैंपियन आई थिंक 5 स्टार के सिर्फ, वॉरलॉग बहुत सही है, स्पाइडरमैन बकवास है, रॉनिन बकवास है, और डे डेविल है वो भी बकवास है। तो मतलब 5 स्टार के 4 निकले हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही काम का है, बाकी कॉर्वस तो सही है वो, और रेड गार्डियन भी सही है, स्पाइडरमैन भी ठीक है, कॉस्मिक गोस्ट राइडर भी सही है। और हाँ यार मैंने यार थोड़ी बहुत रिसर्च की, और आप लोगों ने मुझे बताया कि इनके साइकिल्स होते हैं, कॉस्मिक गोस्ट राइडर का साइकिल होता है एक, और मैं वो आज अप्लाई करने वाला हूँ। उसके बाद कॉर्वस का भी एक साइकिल है, मैं उसको भी अप्लाई करने वाला हूँ, इनके चार्जेस ताकि अपग्रेड हो, चार्जेस बढ़ते जाए इनके और डैमेज इंक्रीज होता जाए इनका, तो ये सब मैं करने वाला हूँ आज। लेकिन उससे पहले मैं ड्यूअल भी खेलूंगा, और ड्यूअल में आज 5 खेलूंगा, आज मैंने वेस्ट नहीं किए हैं, मैंने बिल्कुल याद रखा था कि आज वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए ड्यूअल। लेकिन उससे भी पहले मैं क्रिस्टल खोलना चाहता हूँ, और आपको यार इवेंट क्वेस्ट का भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, कि मैं क्या प्रोग्रेस कर रहा हूँ। आज मैं ट्राई करूँगा कि चैप्टर 3 आज कंप्लीट कर देंगे इवेंट क्वेस्ट को मास्टर लेवल पे, बट यार मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ चैप्टर 3 का सेकेंड क्वेस्ट प्रैक्टिस कर चुका हूँ, ये भी मुझसे मतलब डिफ़िकल्टी है, आज बहुत मुश्किल फाइट्स होने वाली है, बहुत ज़्यादा मुश्किल फाइट होने वाली है। चलो ठीक है, ये सब तो बातें हो गई, अब कुछ एक्शन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्रिस्टल्स खोल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आयरन टॉम का एक क्रिस्टल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6600 शार्ड्स है मेरे पास, ये मैं हीरोइक लेवल पे खेल रहा हूँ, साइड क्वेस्ट हीरोइक लेवल पे खेल रहा हूँ, वहाँ से 150 शार्ड्स मिल जाते हैं हर एक एंट्री पे। अब मेरे पास आई थिंक 3 ही एंट्रियाँ बची है, तो पता नहीं कितना ही मिलेगा, तो यहाँ पे मेरे पास अगर 8000 हो जाते तो 2 खोलते। चलो ग्रैंड मास्टर आयरन टॉम 1 खोल सकता हूँ, लास्ट टाइम जब खोला था 3 स्टार का मिला था, इस बार भाई किस्मत अच्छी और भगवान के नाते भाई 1 5 स्टार का दे दो यार, 5 स्टार दे दो भाई, बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, ये डॉक्टर डूम ही मिल जाए भाई, इतनी अच्छी किस्मत ही नहीं है ना मेरी एक तो। चलो खोल के देख लेते हैं इस बार क्या होता है। यार मैं सोच रहा हूँ पिछली बार मैंने रोल किया था, इस बार सोच रहा हूँ कि सीधे पॉपअप ही कर दूँ, पता चले कि यार मैं पॉपअप करने वाला हूँ भाई, मैंने पिछली टाइम रोल किया था 3 स्टार मिला था, इस बार देख लेते क्या मिलेगा। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ इस चीज़ पे, बोलूँ क्या मैं।
क्या बोलूं भाई, मैं क्या बोलूं यार, इतनी मेहनत करने के बाद, अरीना में इतना लड़ने के बाद, तब जाके हमको ये 3 स्टार दे रहे हैं। लाना था भाई ऐसे आयरन टॉम पे भी, लाना था ऐसे क्रिस्टल, क्या मिल रहा है ये हमको? बकवास मिल रहा है, सब कुछ बकवास मिल रहा है। 4 स्टार हीरो क्रिस्टल है मेरे पास, मैं 4 स्टार के खोलने वाला हूँ यहाँ पे, लेकिन 4 स्टार का कोई फीचर है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मेरे को सिंपल वाला 4 स्टार खोलना पड़ेगा। यार आयरन टॉम में सच में मैंने गाइज इतनी अरीना में फाइट करी है ना, इतनी अरीना में फाइट करी है, मेरे को 3 स्टार का मिलेगा भाई? ये दे रहे हो तुम 3 स्टार का? हद है यार। चलो ठीक है, खोलते हैं 4 स्टार का, देखते हैं भाई कुछ इसमें से कुछ अच्छा ही निकल जाए। इसको रोल कर लेते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा निकल जाए। यार कुछ तो अच्छा दे दो भाई, जिससे मैं फाइट कर पाऊँ, आगे जाके आगे बढ़ पाऊँ, प्रोग्रेस कर पाऊँ अपना। मेरा प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, मूड इतना ख़राब है ना, क्या बताऊँ यार आप लोगों को, इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं क्या बोलूँ यार। मैं इतनी मेहनत करेंगे, बस 3 स्टार का दोगे तुम मुझे? भाई हद है यार, गुस्सा आ रहा है भाई सच में। ठीक है यार, आप देखते हैं, जो हो गया सो हो गया, आप क्या ही कर सकते हैं, वापस तो ला नहीं सकते। ऊपर से इतनी गर्मी है ना, क्या बोलूँ मैं, इतनी गर्मी है ना। ठीक है, रोक दिया मैंने क्रिस्टल को, देख लेते हैं अभी कौन सा मिलता है 4 स्टार का। भाई कोई अच्छा दे देना यार, इस बार तो अच्छा दे दो यार। एयर वॉकर है क्या? गार्डियन, गार्डियन है ना ये शायद से? हाँ, तो गाइज मेरे को बताओ इसको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, गार्डियन है ये, अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग मुझे बताओ। तो इतने क्रिस्टल से, बाकी तो मेरे पास प्रीमियम के बड़े पड़े हैं 2, इनको पॉपअप कर लेता हूँ, देख लो इनमें से कुछ अच्छा निकलेगा तो आप लोगों को दिखा दूंगा। ओके, तो गाइज मैंने खोल लिए प्रीमियम के, खोल लिए 3 स्टार हीरो क्रिस्टल खोली, कुछ भी खास नहीं मिला है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मेरे को लगा था प्रीमियम में 4 स्टार का मिल जाएगा, बट नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला हमको। तो गाइज हमें गार्डियन मिला है 4 स्टार का, यहाँ पे मुझे इसको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो तो आप लोग ही बताओगे, मुझे नहीं पता इसके बारे में। कभी भी ना मेरे पास 3 स्टार का, ना मेरे पास 2 स्टार का, सीधे 4 स्टार का मिल गया। ठीक है यार, अब डुअल पे जाते हैं, डुअल फाइट्स करते हैं। मैं आज 5 फाइटें लड़ने वाला हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लड़ने वाला हूँ यहाँ पे एस रितेश। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, अगर इनकी प्रोफाइल देख रहे होंगे, ये इनसे मैं लड़ने वाला हूँ। डुअल किसके साथ लड़ने वाला हूँ मैं, आई थिंक ग्वेन पूल के साथ हमें डुअल लड़ना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है। ओके, 5 स्टार है, डुप्लीकेट है, वो भी मैक्स पे है, तो हमें इनके साथ लड़ना पड़ेगा, ग्वेन पूल के साथ लड़ना पड़ेगा। इसमें मैं रखने वाला हूँ वॉरलॉक, जो कि मेरा रैंक 3 पे मैक्स है, तो वॉरलॉक के साथ ही फाइट होगी, बाकी कुछ है नहीं यार। 4 स्टार से भी कितना भी ब्लॉक कर लूँ ना यार, डैमेज इतना ज़्यादा मिलता है ना, क्या बोलूँ मैं। 4 स्टार से मैं कन्फ्यूज़ हूँ, अटैक करूँ या डिफेंस करूँ मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यार उसका भी इतना ज़्यादा ब्लॉक डैमेज है ना। ओके, हैवी किया इसने, तेरी तो ऐसी की तैसी। मेरा दिमाग बहुत ख़राब है आज, मारा ना पेल दूंगा सबको, बहुत दिमाग ख़राब है। अरे भाई, अरे चलो पैरी मिल गया इसको, गलती से पैरी मिला, मैंने नहीं मारा इसको। ओके ठीक है, वेट करता हूँ मैं, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। एक, ओके ठीक है, हैवी 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5। अरे मेरे को मीडियम मारना था यार, 1 2 3 4। ओ नहीं 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 नहीं, अरे यार मैंने इसको चार्ज अप कर दिया भाई, यार ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। ओ भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी भाई, इसको चार्ज अप कर दिया यार, शिट मैन, बहुत, अब मैं ख़त्म नहीं होना चाहिए यार, इतना अच्छा खेला ना मैंने यार, कसम से बहुत, मैंने देखा ही नहीं यार, ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी। ओके ओके ठीक है ठीक है, 1 2 3। ओ भाई पेल दिया ना, पेल दिया ना भाई, दिमाग बहुत ख़राब है मेरा आज, मेरे साथ बहुत दिमाग ख़राब है, कुछ नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, कभी कभी दिन ख़राब होता है, जैसे लास्ट वीडियो में ड्यूअल बहुत ही ख़राब हुआ था, आज स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है, आई होप कि आगे भी जो फाइट्स हैं हमारी वो भी अच्छी हो। तो एस रितेश भाई, आपके साथ मैं ड्यूअल जीत चुका हूँ, सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, कभी आप भी मेरे को हरा दोगे, कभी मैं आप पे फिर से प्रैक्टिस करूंगा, आपसे भी हार जाऊंगा, ये चलता रहता है। ठीक है, अब मैं लड़ूंगा टोनी 7255 के साथ, जो कि सबसे पहला प्लेयर है, इनके साथ डुअल करने वाला हूं। तो ये कैवेलियर लेवल के प्लेयर है, यहां पे 4 लाख की रेटिंग है। स्पाइडरमैन स्टील सूद के साथ मैं लड़ने वाला हूं, 6 स्टार है, रैंक 2 मैक्स है, ये मुश्किल होगा, ये भी मुश्किल होगा भाई, ये मुश्किल है। स्पाइडरमैन मुझे लगता है स्टेल्थ सूट का सबसे तगड़ा वाला स्पाइडरमैन है ना, उसके बाद आई थिंक स्टार्क एनहेंस आता है, उसके बाद क्लासिक की तो बात ही नहीं करनी यार, देखना ही नहीं, क्लासिक है इस गेम में है ही नहीं मेरे लिए, बकवास क्लासिक। ओके ठीक है, स्पाइडरमैन के साथ लड़ाई है, 1 2 मार ले बेटा मार ले, 1 2 3। अरे भाई ये वेट भी करता है, ये वाला भी वेट करता है, ये हारने वाला हूँ मैं, मेरे को पता है भाई ये वेट कर रहा है यार। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से 1 2, ठीक है आराम से भाई, क्या ब्लॉक डैमेज दे रहा है, 500 का ब्लॉक डैमेज,
अरे भाई फेल गया यार। ए अरे भाई डेक्सट्री क्या दे रही है मेरे को, ए तेरी तो ऐसी की तैसी। भाई भाई फेल गया। तेरी तो ऐसी की तैसी भाई। ओ 49% एचपी रहेगी, 47% यार, तब भी मतलब मारा है इसको मैंने, क्या ही वेट कर रहा भाई हर एक अटैक। एक दो तेरी तो ऐसी की तैसी बे। एक दो तीन चार पाँच, ये ले तू पहला, ये ले मेरा। भाई भाई अगर मेरे पास थोड़ी बहुत एचपी होती ना और मैं इसको पेल देता, 20% एचपी है इसकी। ओके ठीक। ओ नहीं 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 यार गलती कर दी, बहुत हैवी पड़ गया ना यार, 16% एचपी थी इसकी गाइस। मैंने अच्छा फाइट किया इसके साथ भी, हिट रिसीव 16। ओके ठीक है यार, यहाँ पे डीजे सेड के साथ करे क्या फाइट, इनके साथ फाइट करते हैं, देखते हैं क्या कौन है इनका। कैप्टन अमेरिका है 6 स्टार का, रैंक 2 मैक्स है, इन्फिनिटी वॉर वाला सबसे तगड़ा वाला कैप्टन अमेरिका आई थिंक, ये वॉरलॉक ही लड़ेगा यार। एक ही 5 स्टार का प्लेयर है भाई, इतना गुस्सा चढ़ रहा है। आयरन टॉम में मेरे को 3 स्टार मिलेगा, वो भी दूसरी बार। ओके ठीक है देखते हैं अब। एक अरे मेरे को हैवी देना चाहिए था भाई, मैंने क्या कर दिया भाई, क्या ये 2 3 4 5 भाई 8000 का डैमेज हैवी पे, शिट मैन शिट। ओके ठीक है ध्यान से, कोई बात नहीं होता रहता है यार। 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया, आराम से खेलना। तेरी तो ऐसी की तैसी बे, 50% एचपी रहेगी, 47% ठीक है कोई बात नहीं आराम से। ओके पीछे 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया 1 2 3 4 5 दे इसको, ब्लीड दे शॉक दे इसको, पहले ब्लीड क्या दूँ, शॉक दे। ओके 19% एचपी है, बहुत बढ़िया खेला है मैंने। 2 3 ओके पीछे, अरे भाई यार हैवी पड़ गया शिट। 1 2 3 4 ये ले 5 भाई, ब्लॉक डैमेज खा गया मैं यार, मैंने अच्छा खेला था, हैवी पड़ गया ना यार वो लास्ट में, जो मैं उसको भी मैंने किया था डेक्सट्री, लेकिन हैवी पड़ गया यार, कोई बात अच्छा खेला था मैंने, मगर अच्छा खेला यार, इतना भी बुरा नहीं खेला लास्ट टाइम की तरह, डुअल की तरह इतना भी बुरा नहीं खेल रहा था मैं, आज मैं अच्छा खेल रहा हूँ यार। मैंने फाइट काफ़ी अच्छी कर ली है, नतीजा कुछ भी हो मैं हारा हूँ, लेकिन मैं लड़के हारा हूँ इस बार, मैं बिल्कुल भी मैंने हथियार डाले नहीं, इस बार मैं लड़के हारा हूँ यार, ठीक है। तो अब हम लड़ेंगे, मैं सोच रहा हूँ किसके साथ, हाँ इनके साथ लड़े क्या, 001 सनी 100 के साथ लड़ते हैं, 4 लाख की इनकी भी रेटिंग, 4,30,000 की रेटिंग है इनकी। इनके पास है 6 स्टार का मोलमैन, रैंक 2 मैक्स। ओके ठीक है कोई बात नहीं, इनसे भी लड़ते हैं, 4th फाइट है मेरी ड्यूअल की। तो भाई यहाँ पे देखते हैं हमारे साथ क्या होने वाला है, फिर से क्या हम ये फाइट जीत सकते हैं वो तो पता चल जाएगा अभी। अरे तेरी तो ऐसी यार, अबे इतना पीछे क्यों गया तू, 1 2 3 4 ये ले 5 1 2 3 4 ये ले 5 ठीक है बहुत बढ़िया, 89% एचपी है। तेरी तो ऐसी की तैसी साले, रुक अपना भाई चार्ज अप नहीं करना है इसको, बहुत ध्यान रखूंगा मैं इस चीज़ का, देखो चार्ज अप नहीं करना है। ये क्या मारा है इसने आज, मतलब हैवी मार रहा था या अलग तरीके से मारा है इसने कुछ, अबे साले चार्ज अप। ओके ठीक है मैंने इसको डेक्सट्री दिया, बहुत सही, 1 2 3 4 5 ले साले तू मेरा ये स्पेशल 3 ले। ओ टू अर्ली हो गया यार, नहीं तो 20% बोनस ही मिल जाता, लेकिन इसको यार इतना डैमेज नहीं मिल रहा है यार, पता नहीं क्यों इतना डैमेज नहीं मिल रहा है इसको भाई, जितना मिलना चाहिए था वॉरलॉक से इसको। ओके ठीक है ब्लीड हो रहा है, 1 2 3 4 ये ले 5 बहुत बढ़िया यार, पैरी करना है इसको, 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 यार इस बार गाइस मैं इस बार बहुत अच्छा खेल रहा हूँ यार, इतना भी बुरा नहीं खेल रहा हूँ इस बार, मैं लड़के हार रहा हूँ, अगर हार रहा भी हूँ ना तो लड़के हार रहा हूँ मैं इस बार, मैंने बिल्कुल भी हथियार नहीं डाले, लास्ट टाइम मेरा ड्यूअल बहुत ख़राब हुआ था। एक ठीक है मार ले मेरे को उसको स्पेशल 2 मारना है यार, कुछ भी करके मेरे को उसको स्पेशल 2 मारना है। तेरी तो साले ये ले भाई, डैमेज क्यों नहीं मिला इसको,
ये क्या बात हुई यार, ये गलत बात है यार। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, 6% एचपी है। 1, 2, 22 आप पेल दिया ना। 6-star रैंक 2 का मैक्स प्लेयर मैंने पेला है आज। मैं इनसे हारा भी हूँ, लेकिन एक दो चैंपियन से मैं हारा भी। 6-star के 2 रैंक 2 मैक्स पे हारा भी। इन्फिनिटी वॉर था, जैसे कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर हो गया। और दूसरा कौन सा था यार, एक और था कौन था यार वो जिससे मैं हारा, टोनी इनसे हारा हूँ ना मैं। इनका भी शायद से वही, हाँ स्पाइडरमैन, यही सेम था, सेम रैंक का प्लेयर है, लेकिन चैंपियन अलग है ना भाई, इवेड करने वाला चैंपियन है। तो गाइज मैं यहाँ पे किसको हरा चुका हूँ, एस रितेश को हरा चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने सनी को हराया है, 100 सनी को हराया है, इनके डुअल, हाँ मोलमैन को हराया है। 4 फाइटें हुई, 2 मैं हारा हूँ और 2 जीता हूँ। ठीक है, अब मैं खेलने वाला हूँ 007 गेम चेंज के साथ। तो इनके साथ डुअल करते हैं। ये अनकलेक्टेड मैन है, अनकलेक्टेड है बंदा, सन स्पॉट है, 5-star का रैंक 1 मैक्स है। यार मुझे क्यों लग रहा है कि मैं, ठीक है इनसे लड़ूं क्या यार, मुझे लग रहा है कि आसान होगी फाइट, मैं जीत सकता हूँ, इतना मुझे लग रहा है। नहीं, मैं लड़के देखूंगा, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। लड़ूंगा ज़रूर। एक मिनट गाइज, यार थोड़ा सा ना मतलब पसीने आ रहे हैं यार, एक बार साफ़ कर लूँ मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मैंने फ़ैन बंद रखा है। अगर कूलर चला दिया ना भाई, तो मेरी आवाज़ तो सुनाई नहीं देगी, कूलर की सुनाई देगी। तो इसलिए एक सेकंड यार, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, बस 2 सेकंड। ओके ठीक है, तो अब हमारा 5-star का वॉरलॉक लड़ेगा, किसके साथ लड़ेगा ये, सन स्पॉट के साथ है ना, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पे 5-star प्लेयर है ना ये, कि 6-star है यार, मैंने देखा नहीं गौर से, 6-star है, ठीक है। अरे भाई 1, 2, 3, 4 ये ले 5, मेरे को हैवी देना था भाई इसको, 1, 2, 3, 4 ये ले 5, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला है मैंने आज। अरे भाई नहीं, पीछे आ जा मेरे भाई, 1, 2, 3, 4 ये ले 5, ओके अभी तक अच्छी फाइट हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत बढ़िया। स्पेशल टू मारना है मेरे को इसको, ओके ठीक है, इसने स्पेशल मारा अपना, 1, 2, 3, अबे स्पेशल 2 तो खा लेता भाई, चलो ठीक है कोई बात। यार गाइस लिटरली मुझे लग रहा है कि मैं आज बहुत अच्छा खेला हूँ, बहुत अच्छा फोकस से खेला हूँ मैं, क्योंकि भाई सुबह से मूड ख़राब था ना इसीलिए। ठीक है चलो, 5 फाइटें मैंने लड़ी है डुअल की, 3 मैं जीता हूँ, 2 मैं हारा हूँ, कोई बात नहीं। गाइस जिसके साथ भी मैंने डुअल आज नहीं खेला है, आई होप, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर खेलूंगा। बस आप एक बार ना कमेंट सेक्शन में अपना बता देना कि यार आपने मेरे साथ नहीं खेला, मैं आपके साथ ज़रूर खेलूँगा। आईडी नेम बता देना कि भाई मेरे को आपके साथ डुअल खेलना है, क्योंकि यार मुझे एक्चुअली में याद नहीं रहता है, क्योंकि यार बहुत सारे हैं जो बोलते हैं कि मेरे साथ डुअल खेलो, जिसका याद रहा मैंने उसके साथ खेला, जिसके साथ याद नहीं रहा आई एम सॉरी यार, आपके साथ भी खेलूंगा, आप बस अपना आईडी नेम कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो अब आगे शुरू करते हैं। देखो यार अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इवेंट क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। यहाँ पे हम चैप्टर थ्री कंप्लीट करने वाला हूँ, मतलब इवेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट होगा, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश, मतलब एक बार नहीं, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले मैं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। आपके सामने फिर से करके दिखाता हूँ, आप लोग बोलोगे कि यार झूठ बोल रहा है, नहीं भाई मैं कर चुका हूँ ये, हर बार मैं अलग अलग पाथ लेके आया हूँ, बट इस बार भी सोच रहा हूँ कौन सा पाथ लूँ, देख लेता हूँ पहले मैं। गाइस स्टार्ट करते हैं हम, मैं यहाँ से पाथ लेने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं कहाँ से लड़ने वाला हूँ आज। ओके मैं ये वाला पाथ लूँगा, बाकी मैं बहुत सारे पाथ ट्राई कर चुका हूँ, 1-2 पाथ मैं ट्राई कर चुका हूँ, इसके पनिशर वाला पाथ ट्राई कर चुका हूँ, स्पाइडरमैन जो क्लासिक है ये वाला पाथ भी ट्राई कर चुका हूँ। देखो कॉर्वस का एक साइकिल होता है, पहले मेरे को टेक्निकल मारना है, उसके बाद मेरे को मारना है म्यूटेंट का, ये कुछ भी कर सकते हैं, या तो पहले म्यूटेंट मार लिया, या तो पहले टेक्निकल मार दिया, उसके बाद एवेंजर फैमिली का, उसके बाद हैवी अटैक भी यूज़ करना है हर चीज़ में। इससे क्या होगा, इसके चार्ज बिल्डअप होंगे और इसका डैमेज इंक्रीज होता जाएगा। इसकी एचपी की चिंता नहीं है, लेकिन इसका डैमेज 2300 का है भाई, बहुत ध्यान से खेलने वाला हूँ, देखना यार। एक ये मैंने मारा इसको पहले हैवी, ठीक है, अब मेरे को इसको मारना है, टेक्निकल प्लेयर है तो आराम से खेलूंगा मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ब्लॉक डैमेज भी बहुत ज़्यादा है इसका। ओके ओ शिट, मैं कॉम्बो मार सकता था, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत बढ़िया, आराम से
एक दो तीन चार पाँच, ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा अभी, 1500 कम डैमेज है मेरे लिए, 3000 का डैमेज दे तो सही है। एक दो तीन चार पाँच, मर जाना। ओ भाई ओपी फाइट, क्या फाइट लड़ी है मैंने। अबे सुबह से मैं ट्राई कर रहा था भाई, मेरे को पहले जा रहा बंदा, अभी कैसे इतनी आसानी से कैसे मार दिया मैंने उसको। प्रैक्टिस हो गई यार मुझे, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी एक ही फाइट हुई है भाई, अभी 7 फाइटें बाकी हैं, 6 और फाइटें लड़नी है। ग्यूलोटाइन है जो कि मतलब इनविजिबल होता है ये बंदा, इसके साथ लड़ना मुश्किल होगा। 2700 का इसका डैमेज है, HP की कोई चिंता नहीं है, HP 32000 है, लेकिन 2700 डैमेज जो है वो ख़तरनाक चीज़ है, इससे बचना पड़ेगा मुझे। ये ले हैवी, तू पहले ब्लीड कर थोड़ा सा। ओके, आंधे। एक दो तीन चार, ये ले पाँच। ओके हैवी, एक दो तीन चार पाँच, बहुत बढ़िया, मार रहे थे। एक दो तीन चार, ये ले पाँच, मार ले। एक दो तीन चार पाँच, ये ले अब तू स्पेशल 2 भी ले। ओके ठीक है, ब्लॉक करो। नहीं भाई नहीं। ओके पीछे, एक दो तीन चार पाँच, स्पेशल 2 मारेगा ही मेरे को। ओके एक दो तीन चार पाँच, भाई मरा नहीं क्या यार, मर गया। मैं भी सोचूं ये इसको क्या हो गया भाई, 1% पे अटक गया ये भाई। 2 फाइटें जीत चुका हूँ यार, मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं जीत कैसे रहा हूँ। सुबह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी इतनी बुरी हालत कर दी इन्होंने, अब जाके मैं सारी फाइटें जीत रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ना जो, ये मेन चीज़ होती है भाई। स्टार्टिंग सुबह से मैंने प्रैक्टिस नहीं किया डुअल, मैं वहाँ पे सारी फाइटें हार रहा था, जब भी मैं क्वेस्ट में आ रहा था सारी फाइटें हार रहा था, कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो था। अब थोड़ा डुअल में कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब जाके मैं लड़ रहा हूँ और फोकस से लड़ रहा हूँ। जो फिक्सिट एवेंजर फैमिली का नहीं है ये, शायद से जो नहीं है ना एवेंजर फैमिली का, नहीं तो मैं कॉर्वस के साथ लड़ता, बट ये है ही नहीं ना एवेंजर फैमिली का। 2600 का डैमेज है, डांस से खेलूंगा मैं इस बार। अगली फाइट कॉर्वस के साथ होने वाली, क्योंकि अगली फाइट में आयरन मैन है, जो के साथ ध्यान से खेलना पड़ेगा, हल्की तरह मारता है ना मगर ये। ओके ठीक है, पीछे हैवी दे, मैं तेरे को पेलता हूँ, फिर हैवी मार, फिर तेरे को पेलूंगा भाई। अरे भाई पीछे हो गया, कोई बात नहीं, आराम से। 77% HP है मेरी, तेरी तो ऐसी की तैसी। एक दो तीन चार पाँच, बहुत बढ़िया। एक दो तीन, अरे भाई गलत हो गया, कॉम्बो मिस कर दिया। अरे भाई यार आगे है ना वॉरलॉक, क्या कर रहा है तू। एक दो तीन चार पाँच, बहुत बढ़िया, स्पेशल 2 इसका अनब्लॉकेबल नहीं होना चाहिए यार अब। एक दो तीन चार पाँच, बहुत बढ़िया, अनब्लॉकेबल नहीं होना चाहिए बस। साले पीछे हो, मारना पावर मार अपनी। भाई ये चार्जअप होने वाला है। नहीं, मैं ये नहीं चाहता भाई, मेरा वॉरलॉक पेला जाएगा बुरी तरह से। नहीं भाई, अबे मारना यार तू, शिट मैन। दो तीन चार पाँच, नहीं मारा यार इसको मैंने। ओके ठीक है, परफेक्ट डैमेज तो दिया मैंने इसको, बट मुझे पता है मेरा वॉरलॉक गया भाई, अब इसे मारा ही नहीं साला ने, स्पेशल यूज़ किया ही नहीं अपना, वेट कर रहा साला मेरा ही, पेल गया हैवी अटैक इसके बाद मैं। ओ भाई अच्छा, मेरा स्पेशल 3 ये है, अरे मेरे को भूल जाता है कभी कभी यार मैं इसको, तेरी तो साले यार, मेरे पास हीलिंग पोर्शन भी नहीं है, मैं इसको हील भी नहीं कर पाऊंगा यार। भाई पीछे आना, मैंने पीछे किया यार, तेरे को डेक्सट्री दिया मैंने उसको यार, साला बीच में अटक जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, पीछे आ जा मेरे भाई। एक दो तीन चार पाँच, चल साले को थोड़ा शॉक दे, थोड़ी हीलिंग कम हो इसकी साले की, बड़ा पेला भाई इसने मेरे को। ओके ठीक है, आंधे। स्पेशल नहीं खाने किसी भी कीमत पे साले, मर चल तेरी जात का, मारूं बेदास हो चुकी है। पीछे, एक दो तीन चार पाँच, बहुत बढ़िया। एक दो तीन चार पाँच, बहुत बढ़िया यार, यही चीज़ बोल रहा था, अनब्लॉकेबल है इसका। एक दो तीन चार पाँच, साले का वो हो गया आर्म वो। एक दो तीन चार पाँच, ये ले साले। भाई ये क्या हुआ,
भाई भाई पेल इसको यार, भाई साहब पेल यार, ये क्या हुआ था? इसने आर्मर अप कर लिया था क्या? डैमेज साला, मर जाना चाहिए था यार। ओके भाई शुरू हो गई है फाइट, बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा क्योंकि बहुत तगड़ा डैमेज देगा मेरे को ये। 1 2 3 4 5 बहुत सही। ऐसे ही 3-4 और कॉम्बो मार दिए तो पेल दूंगा मैं सारा इसको। इतनी दूर कैसे आया बे तू? तेरी तो साले, पीछे हो, आगे मत आ। 1 2 3 4 5 पीछे। 1 2 3 4 5 अब मैं पेल दूंगा इसको। मर गया भाई। 11% HP है कॉर्वस की अभी भी। यार मैं इसको हील करना चाहता हूँ अपने वॉरलॉक को, इसको भी, लेकिन मेरे पास हीलिंग पोशन ही नहीं है। उसके लिए मेरे को यूनिट्स यूज़ करने पड़ेंगे और मैं नहीं चाहता मैं यूनिट यूज़ करूँ अपने। देखो इसके बाद एक फाइट और है और उसके बाद बॉस फाइट है हमारी। ठीक है कोई बात नहीं, आराम से, बहुत अच्छी तरह से मैं आगे जा रहा हूँ। ध्यान से अभी भी खेलना है, 2 चैंपियंस अभी भी मारने। इससे इसके बाद जो बॉस फाइट होने वाली है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाली है। बेहतर क्या मतलब, मेरे को ही पहला जाएगा उसमें, मैं ही पहला जाऊंगा और क्या यार। अब मैं सोच रहा हूँ किसको लूँ भाई, वॉरलॉक को लूँ या इसको लूँ। वॉरलॉक की हेल्थ बहुत, मैं कर सकता हूँ क्या इसको? हीलिंग पोशंस बचे हैं लेकिन बहुत कम है यार, इसको यूज़ करो पहले। बस शर्त यह है कि अनब्लॉकेबल नहीं होना चाहिए। भाई मारना यार, पीछे कैसे गया तू? मेरे को उसको हैवी देना था भाई। तेरी जात का मारूं साले, एक दो तीन चार ये ले 5, बहुत बढ़िया भाई। यार ये मेरे को हैवी दे गया यार, मेरे को हैवी ही नहीं खाना था इसका। पीछे आ जा मेरे भाई। 1 2 3 4 ये ले 5। अब मैं इसको स्पेशल 2 दूंगा, लेकिन संभल के भाई। कॉम्बो मारता है यार हर बार साले, कॉम्बो मार रहा है, हैवी मार भाई, तेरे को मैं पेलूँ। 2 3 4 5 ये ले साले मेरा स्पेशल 2। 40% तो रही जाएगी, 32%। ठीक है स्पेशल यूज़ कर। ठीक है कर दिया। बस का साले, ये ले अब तू मेरा, ये भी ले। मर जाना चाहिए भाई, मर जा साले। भाई मर गया। 3% HP रहती है अभी वॉरलॉक की। तेरी ओए, मेरा मेन चैंपियन गया यार, जो सह सकता था ना डैमेज वो चला गया हुआ है। अब मेरे को बहुत संभल के खेलना पड़ेगा क्योंकि अब बॉस फाइट है। बॉस फाइट में बहुत ध्यान भाई। HP ठीक है। अरे यार मेरे पास तो एनर्जी नहीं है भाई। ठीक है मैं थोड़ी सी ये कर लेता हूँ यूज़। ये वाली फाइट बहुत तगड़ी होगी, बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी ये फाइट। या तो मैं इसमें हारूंगा या तो मैं जीतूंगा, यही है, सिंपल सी बात है। ओ भाई ये क्या है सालो, 5000 का डैमेज है भाई इसका। 5000 भाई क्या है ये, 5800 का डैमेज है यार। HP देखो यार, मैं क्या करूं भाई, क्या है इसका, ये क्या है? अनस्टॉपेबल है तेरी तो ऐसी की तैसी। भाई साहब ये बहुत मुश्किल होगा सालो, मेरे पास, मेरे को 5-star का 2 तो सही यार, मैं निकालता हूँ, 5-star का देते नहीं हूँ एक तो, और बोलते हो बंदे को मार लो इसको। भाई ये बहुत मुश्किल होने वाला है, डुप्लीकेट है ऊपर से। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 भाई क्या डैमेज दूँ इस बंदी को यार, मैं क्या डैमेज दूँ, क्या पेल रही है भाई मेरे को ये। 1 2 3 4 5 साली जब देखो हैवी दे रही है भाई। अनस्टॉपेबल बन गई भाई। अबे 4 जप हो गई यार, मैंने देखा ही नहीं भाई मार, लेकिन मैंने इसकी भाई यार ये 4 जप हो गई यार, शिट यार, मैं इसको मार सकता था यार थोड़ा बहुत, और बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी, मेरे को देखना चाहिए था भाई। यार कॉस्मिक के साथ लड़ नहीं सकता, कॉस्मिक मेरे साले डिसएडवांटेज में जा रहे हैं भाई। अब मेरे को इसके साथ लड़ना पड़ेगा, स्पाइडरमैन के साथ यार, शिट यार। ओ भाई
एक दो तीन चार अबे मारना यार कॉम्बो तो मार ले भाई साले क्या हुआ तेरे को ओके ठीक है पीछे आ पड़ गई माई आखिरकार स्टन दे इसको पहले साले को स्टन दे इसको भाई स्टन ही नहीं हुई है एक पीछे हो पावर गेन हो रहा है उसका एक दो भाई मार ले अबे 49% एचपी है इसकी बीबी बची यार ओके ध्यान से खेलना पड़ेगा हैवी दे उसको पहले ठीक है आने दे ठीक है कोई बात नहीं मेरे को मिस कर दिया मैंने कॉम्बो तुम्हारी तो ऐसी की तैसी ओके ठीक है पीछे कॉर्नर नहीं होना है भाई क्या कर रही है ये अबे साले मेरे को हैवी क्यों पड़े यार ओके ठीक है कोई बात नहीं अब देखते हैं अब तो मेरे को पता है मैं हार गया हूँ एक दो तीन चार ये पांच भाई क्या डैमेज दे रही है ये मेरे को साला 5% सीधे यार भाई खा गई सीधे मर गया यार रेड गार्डियन ने तगड़ा डैमेज दिया था इसको बहुत खर्चा हो चुका है वॉरलॉक को मैंने हील किया है यूनिट्स मैंने यूज़ किए हैं काफ़ी मतलब 60 यूनिट्स तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिए अब शायद मर जाना चाहिए क्योंकि मेरे से डबल है ये अभी भी प्योरिगेटरी जो है वो मेरे से डबल है एचपी में और डैमेज तो भाई क्या ही बताऊँ 6000 का डैमेज है यार मर जानी चाहिए भगवान मर जाए ठीक है एक दो तीन चार ये ले पाँच बहुत बढ़िया आराम से करना भाई एक दो तीन चार ये ले पाँच बहुत बढ़िया 29% एचपी बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है अपने आप को एक दो तीन चार ये ले पाँच ठीक है स्पेशल टू मारना तूने और चार्ज अप होने नहीं देना इसको पीछे एक दो और अरे नहीं पीछे ठीक है मारने दे एक दो तीन चार पाँच स्पेशल टू मार अपना 10% एचपी है बहुत बढ़िया 8% ओके ठीक है भाई ये चार्ज अप हो जाएगी नहीं अरे भाई मेरे को डर लग रहा है ठीक है पीछे ओके ठीक भाई नहीं अबे यार ब्लॉकिंग में भी इतना डैमेज मिल रहा है यार हद है यार मार दिया था यार इसको मैंने यार गाइस मैंने इसको मार ही दिया था देख रहे हो कितनी एचपी रहेगी यार इतनी अच्छी फाइटें कर रहा था ना मैं मेरा खर्चा बहुत हो गया यार को मैंने फिर से रिवाइव किया है मेरे पास एक रिवाइविंग का पोर्शन था लेवल 20% वाला वो मैंने यूज़ किया और 5000 वाला हीलिंग पोर्शन यूज़ किया उसके लिए 21 यूनिट्स मेरे गए हैं तो यहाँ पे मैं लड़ने वाला हूँ 4000 एचपी है 4500 इसकी एचपी है और मेरी मैंने देखी नहीं कितनी एचपी बची है मेरी तो फिलहाल देखते 5000 वो हो गई थी और पता नहीं कितनी 8000 है शायद से एक दो तीन चार पाँच भाई 1% एचपी है भाई मैं हरा सकता हूँ इसको तेरी तो ऐसी की तैसी पेल दिया ना भाई आखिरकार जीता कि नहीं जीता हाँ वो बात अलग है कि खर्चा हो गया है लेकिन भाई यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी इससे फाइट करना बहुत बड़ी बात थी इससे पहले जो मेरे पाथ में ओपोनेंट्स आए थे एनिमीज आए थे उनसे लड़ना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उनसे मैंने लड़ा है उनसे मैंने डैमेज बिल्कुल भी नहीं लिया है बहुत अच्छी तरह उसको मैंने मारा गाइस अगर मैंने अच्छा मारा है उनको लाइक तो करना बनता है यार आप लोगों का लाइक करना बनता है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं अच्छा खेला हूँ कि नहीं खेला हूँ यार आप लोग कमेंट करते हो ना तो मेरे को हिम्मत मिलती है कि मैं भी देखता हूँ मेरे को समझ में आता है कि मैंने अच्छा खेला है ओके ये कुछ स्टोरी का कुछ पार्ट है क्या यार मैंने तो इवेंट क्वेस्ट कंप्लीट किया है ना ये क्या हुआ स्किप करो भाई मेरे को नहीं देखना है के भाई आखिरकार इवेंट क्वेस्ट जो है मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया मास्टर लेवल पे अब मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा दोनों ही करूँगा क्योंकि ऑफ कैमरा पूरी तरह से होगा नहीं है एक ही दिन में आप लोगों के सामने भी करूँगा थोड़ा बहुत करूँगा ड्यूल भी लड़े उसमें भी बहुत अच्छी फाइट करी इवेंट क्वेस्ट में भी हमने बहुत अच्छी फाइट करी है ऐसा नहीं कह सकता मैंने बहुत गंदी फाइट करी मैंने बहुत अच्छी फाइट करी है प्रैक्टिस की और ज़रूरत है और सुधरूंगा और इम्प्रूवमेंट करूँगा बस आप लोगों का साथ चाहिए तो गाइज आज के इस गेम प्ले वीडियो में इतना ही आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस गेम प्ले वीडियो में मुझे लगता है यार आप लोगों को मज़ा तो आया ही होगा
तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि और से और बड़ी फैमिली हो हमारी। तो गाइस मिलता हूँ फिर से एक और बार एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, घर पे रहना, हेल्दी रहना और मास्क ज़रूर पहनना।